राम जन्मभूमि को लेकर सुप्रीम कोर्ट में रोजाना सुनवाई हो रही है। सुनवाई के दौरान ऐसे ऐसे सवाल खड़े किए जा रहे हैं जिसका जवाब देना शायद ही आसान हो। कहीं राम जन्म होने का सबूत तो कहीं राम वंशज होने की बात कही जा रही है। अयोध्या में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद भूमि विवाद पर पांचवें दिन की सुनवाई के दौरान मंगलवार को इस मुद्दे पर बहस शुरू हुई कि क्या इस विवादित स्थल पर पहले कोई मंदिर था। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 सदस्य संविधान पीठ के समक्ष रामलला विराजमान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सीएस वैद्यनाथ ने मस्जिद के निर्माण होने से पहले इस विवादित स्थल पर कोई मंदिर होने की संबंधित सवाल पर बहस शुरू की। इन्होंने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 3 न्यायाधीशों की पीठ अपने फैसले में कहा है कि विवादित स्थल पर मंदिर था। वैद्यनाथ ने कहा कि हाई कोर्ट के जस्टिस एसयू खान ने अपने फैसले में कहा था कि मंदिर के अवशेषों पर मस्जिद का निर्माण किया गया। नव भारत टाइम्स के मुताबिक वैद्यनाथ ने कहा 12 दिसंबर 1949 जब से विवादित जगह पर मूर्तियां रखी गई हैं, न तो वहां नमाज हुई और न ही मुस्लिम पक्षकारों का उस जमीन पर कब्जा रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के सितंबर 2010 के फैसले के खिलाफ दायर अपीलों पर सुनवाई कर रही संविधान पीठ के अन्य सदस्यों में जस्टिस एस ए बोबड़े, जस्टिस धनंजय वाई चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एस अब्दुल नजीर शामिल हैं। इससे पहले रामलला विराजमान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता के परासरन ने पीठ से कहा कि उसे अपने समक्ष आए सभी मामलों में पूर्ण न्याय मिलना चाहिए। संविधान पीठ ने पिछले शुक्रवार को परासरन से जानना चाहा था कि क्या रघुवंश राजघराने से कोई अभी भी अयोध्या में रहता है। परासरन तत्काल इस सवाल का कोई जवाब नहीं दे सके, लेकिन जयपुर राजघराने की सदस्य और भाजपा सांसद दिया कुमारी ने रविवार को दावा किया कि उनका परिवार भगवान राम के पुत्र कुश के वंशज हैं। शीर्ष अदालत इस समय अयोध्या में 2.77 एकड़ विवादित भूमि, इस प्रकरण के 3 पक्षकारों सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला के बीच बराबर बराबर बांटने का निर्देश देने संबंधित इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर अपीलों पर सुनवाई कर रही है। इस मामले की चौथे दिन की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने परासरन से जानना चाहा था कि इस मामले में मुद्दई के रूप में जन्म स्थान को एक कानूनी तौर पर व्यक्ति कैसे माना जा सकता है। इसके जवाब में वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा था कि हिंदुत्व में किसी स्थान को मंदिर मानने के लिए वहां देवता की मूर्ति होना जरूरी नहीं है। उन्होंने कहा था कि हिंदू किसी एक रूप में ईश्वर की आराधना नहीं करते हैं, बल्कि वे ऐसे दैवीय अतवरण की पूजा करते हैं जिसकी कोई स्वरूप नहीं है। आपको बता दें कि अयोध्या राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद मामले को मध्यस्थता के माध्यम से सुलझाने में सफलता नहीं मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट 6 अगस्त से इसकी रोजाना सुनवाई कर रहा है। हालांकि मुस्लिम पक्षकार एम सिद्दीक और ऑल इंडिया सुन्नी वक्फ बोर्ड ने सप्ताह के सभी 5 कार्य दिवसों पर इसकी सुनवाई किए जाने पर आपत्ति की थी, लेकिन संविधान पीठ ने इसे अस्वीकार कर दिया। संविधान पीठ ने सिद्दीकी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन को यह भरोसा जरूर दिलाया कि उन्हें बहस की तैयारी के लिए सप्ताह के बीच में विश्राम देने पर विचार किया जाएगा। देश भर में बहुजन समाज से संबंधित अनेक घटनाएं घटित हो रही हैं। नेशनल दस्तक यूट्यूब चैनल के माध्यम से लगभग सभी खबरों को आप तक पहुंचाना चाहता है। वीडियो की संख्या अधिक होने के कारण नेशनल दस्तक की टीम को एक ही यूट्यूब चैनल पर दिखाना संभव नहीं है। सभी मुद्दों को जल्द से जल्द आप तक पहुंचाने के लिए हमारी टीम ने एक नया यूट्यूब चैनल नेशनल दस्तक 2 के नाम से शुरू किया है। वास्तव में यह चैनल नेशनल दस्तक की एक कड़ी है। उम्मीद है आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके हमें और बहुजन मीडिया को और भी मजबूत करेंगे। नए चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।